Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel The Style Corner. Viewers, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत से मेरी ड्रेसेस दिखाऊंगी. स्कैटर ड्रेसेस भी इसमें आपको नजर आएंगी, एयरलाइंस भी आप इस वीडियो में देखेंगे, लेयर्स के साथ भी आपको इसमें डिजाइन दिखाऊंगी, गाउन के साथ भी आपको डिजाइन दिखाऊंगी. डिफरेंट टाइप्स के बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश ये ड्रेसेस हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी. शिफॉन पे, लिनन पे, कॉटन पे, हर तरह के फैब्रिक पे आपको ये डिज़ाइन नजर आएंगे व्यूअर्स, और सब सब बहुत ही यूनिक और खूबसूरत हैं. आपको इसमें फ्लावर प्रिंट के साथ, 3D प्रिंट के साथ और प्रिंटिंग के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइनिंग ड्रेसेस नज़र आएंगे. ये देखें व्यूअर्स, शिफॉन में भी हैं, लिनन पर भी हैं, और डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन, डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत. तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी. और इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके. ये देखें व्यूअर्स, आपको उसमें अपडाउन में भी डिज़ाइन दिखाऊंगी मैं, और स्कैटर ड्रेसेस, और ये देखें डबल लेयर्स के साथ बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन कैजुअल ड्रेसेस हैं व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत. ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही प्यारे से आपको उसमें कलर कंट्रास्टिंग के साथ भी डिज़ाइन देखेंगे. ये देखें गाउन स्टाइल में भी हैं, ये देखें ओपन स्लिट बैक स्लिट के साथ, और इसी तरह के व्यूअर्स बहुत प्यारे से ड्रेसेस हैं. तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा. और एंड में एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा.